रामू ने उसको बहुत अच्छा घास और खाना देने लगा। कुछ ही दिन में लक्ष्मी अच्छी हो गई और उसने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दी। वह देखने में बहुत सुंदर थी। ये बात गांव में फैल गया। तभी लक्ष्मी का असली मालिक, जो उसे हर दिन मारता था, उसको ये बात पता चल गया। तभी उसने रामू के पास आया और ऐसा बोला, अरे ओ रामू, ये गाय मेरा है, अभी मेरे गाय मुझे दे दो, अगर चाहिए तो उसके बछड़े को तुम रख लो। तभी सीता ने ऐसा बोला, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने लक्ष्मी को घायल स्थिति से अच्छा बनाया, उसका देखभाल भी किया, ये नहीं हो सकता है। रामू सीता और उनके बेटों की बात सुनकर लक्ष्मी का मालिक वहाँ से चला गया। लेकिन उसी रात को जब सभी सो रहे थे, मालिक आकर लक्ष्मी को, जो रस्सी से बंधी हुई और सो रही थी, उस रस्सी को निकालकर लेके जा रहा था।